नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। बुलंदशहर में विधवा महिला से गैंगरेप, देखिए बुलंदशहर से संवाददाता प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। घर में घुसकर किया तीन दरिंदों ने विधवा महिला से गैंगरेप। घर के बाहर अश्लील गाने और अश्लील वीडियो का विरोध करने पर दरिंदों ने दिया गैंगरेप की वारदात को अंजाम। घर में सोते समय दरिंदों ने विधवा महिला को दबोचा और किया गैंगरेप। पीड़िता की मासूम बेटी ने अपनी दादा दादी को दी घटना की जानकारी। पीड़िता अपने परिवार के साथ पहुंची कोतवाली और दी तहरीर। बुलंदशहर की शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। तीन जने आए थे, एक आबिदा है, एक पप्पू था, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करा था। वो फिर एक ऊपर से मतलब कूद के भागा था। 3:30 बजे की बात थी, मेरा कोई नहीं था, मेरी एक बेटी एक मैं सो रही थी, मेरी ससुरालिया पर वो रहते हैं, मेरे हस्बैंड की डेड हो गई थी जी। किस समय की घटना है ये? फिर मैंने बताई नहीं थी डर के मारे। मेरी बेटी आई थी 6 बजे पूछने, मेरी बेटी ने बता के आई थी पर वो 6 बजे अपनी दादी दादाओं को, जब वो आए थे उन्होंने मुझसे जोर डाला था, जब वो मुझे लेकर आए थे थाने। अब थाने में क्या आपने इसकी हो रही आगे? तुम लखनऊ की सुविधा बहराइच के हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल में, देखिए बहराइच से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। बहराइच का इंडिया और हिंदुस्तान चाइल्ड अस्पतालों में काफी क्रिटिकल केस तक बड़ी आसानी से हैंडल किए जाते हैं। इंडिया अस्पताल से संबंधित डॉक्टर ग्यास ने बताया कि इन दिनों उनके अस्पताल में काफी चैलेंजिंग केस आया हुआ है। उन्होंने बताया कि श्रावस्ती जिले टंडवा महंत तहसील इकोना से एक बच्ची उनके अस्पताल में आई जिसकी उम्र अभी मात्र 2 दिन थी। उसके मस्तिष्क में पानी था जिसका हमारे अस्पतालों के विशेषज्ञों की टीम ने मिलकर सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। उन्होंने आगे बताया कि इस समय मरीज बिल्कुल ठीक है और उसके परिवार के लोग एकदम संतुष्ट हैं। देखिए इस मामले में क्या कहना है डॉक्टर ग्यास अहमद का। नर्स साहब, ये गुड़िया कौन है और कहाँ की है और इसको क्या प्रॉब्लम था, अब इसकी तबीयत कैसी है? ये बलरामपुर साइड की थी, वहाँ पे सीजर से ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में, दो दिन वहाँ रखे थे, उसके बाद उसको रिफर कर दिए थे लखनऊ। तो उसको किसी ने बताया कि यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ ऑपरेशन होता है, आप जाइए उनसे मिलिए। फिर वो मेरे पास में आए, देखा, फिर हम अपनी टीम से जो हमारे डॉक्टर रवि दूर सहारा के पीडियाट्रिक सर्जन है उनसे हमने बात किया, वो अपने साथ में आए टीम लेके असिस्टेंट और मैं था। उसके ये हाइड्रो से पहले से बीमारी है जदजात, जिसमें दिमाग के अंदर नस जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकिंग की वजह से पानी जो है रिटेन होने लगता है और सर बड़ा होने लगता है। तो इसमें प्रोसीजर होता है कि ब्लॉकिंग को शंट डालते हैं, शंट को ब्रेन से लेते हुए पेट एब्डोमेन तक छोड़ते हैं, जिससे सर्कुलेशन जो है ये सब का कोई होने लगता है तो साइज धीरे धीरे छोटा होता है, तो उसकी ज़िंदगी फिर बन जाती है। ये किस हॉस्पिटल में हुआ है और आपका क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर ग्यास अहमद है, मेरा ही हॉस्पिटल है हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल और इंडिया हॉस्पिटल में ऑपरेशन। गुड़िया आप कैसी है? बेटी ठीक है, बच्ची ठीक है, उसका फीड भी स्टार्ट कर दिया, उसका वाइटल पैरामीटर ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, एसिडिटी ठीक है, सारी सब कुछ कंट्रोल में। गोमती नदी में कूदा युवक, देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। 33 साल के रवि जायसवाल गोमती नदी में कूदा, पेंटिंग का काम करता था रवि जायसवाल। कई दिनों से था डिप्रेशन का शिकार, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को जानकारी, कुछ स्थानीय गोताखोर बॉडी ढूंढने में लगे हैं, अभी तक नहीं मिला पेंटर रवि का शव। निषादगंज के पुराना बाबा पूर्वा का मामला। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। और जो कूदा है गोमती नदी में, ये कौन था? रवि भाई छोटा। क्या मामला हुआ था जो ये नदी में कूद गया? सर उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तो ये दिमाग की दवा भी चल रही थी उसकी, और एक बात उसने जल भी गया था, तब दिमाग खराब था, तो फिर उसका इलाज कराया, फिर भी ठीक हो गया, फिर एक बार पैर में चोट लग गई उसके। कितने बजे घर से निकला था वो? सर हमारे सामने ही निकली, 9 बजे करीब निकला सर बंदे से। और कितने बजे आप लोग खबर लगी? हम लोग सर तुरंत उसके पीछे पीछे आए सर, हम बिगलाएंगे, बहुत तेजी दौड़ता हुआ आया, चिल्लाता हुआ बहुत तेज आया ऊपर से। तो आपके सामने कूदा है क्या? नहीं हमारे सामने कूदा नहीं सर, हमने बंदे से देखा कि पानी की आवाज़ बहुत तेज आई, जैसे कि कोई कूदा है उसके अंदर, लेकिन मेरा भांजा था वो, उसने देखा कि हाँ यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे नीचे, तो वो बता रहा था कि हाँ जो है। क्या किसी आर्थिक तंगी से कूदा है या कोई परेशानी थी? नहीं सर परेशानी कोई नहीं थी सर, दिमाग सही नहीं था उसका, बस उसका इलाज भी चल रहा था काफ़ी दिन से। कितने साल से तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, ना काम कर रहा था ना कुछ,
घर ही रहता था, घर से बाहर बिल्कुल निकलता नहीं था, दिमागी संतुलन खराब था जी सर। अंतर्राज्यीय फ्रॉडों के गिरोह का भंडाफोड़, चार लोग गिरफ्तार। देखिए बाराबंकी से ब्यूरो चीफ सतीश कुमार की एक खास रिपोर्ट। एटीएम डेबिट कार्ड से फ्रॉड करके भोले भाले लोगों की जिंदगी भर की कमाई गई रकम को निकालने वाले चार शातिर लोगों को रामस्नेही घाट पुलिस ने धर दबोचा। लाखों रुपए निकाल चुके हैं सभी आरोपी। विभिन्न बैंकों के 87 एटीएम डेबिट कार्ड, एक स्वैप मशीन व लग्जरी कार हुई बरामद। गिरफ्तार फ्रॉडों में साजिद पुत्र खुर्शीद निवासी जिला भरतपुर राजस्थान, इरशाद पुत्र कल्लू निवासी पलवल हरियाणा, अनीश पुत्र शहाबुद्दीन निवासी धौलागढ़ जिला पलवल हरियाणा व शाहरुख पुत्र इसराइल निवासी लखनवा पलवल हरियाणा के रूप में पहचान हुई है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को पुलिस विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजती है। 2 जुलाई को रमाकांत जो थाना रामस्नेही घाट कोटवा सड़क के निवासी हैं, उन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि वो SBI के जो कोटवा सड़क पर है ATM, उसमें पैसा निकालने के लिए गए थे। वहाँ पे एक व्यक्ति आया और उसके बाद वो मदद करने के बहाने उसने ATM चेंज कर लिया और उसके बाद पैसा निकाल उनका ATM से पैसा नहीं निकला। थोड़ी देर बाद उनके मैसेज में आया कि 49,000 रुपये उनके बैंक से कट गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं कहीं पे। इस तरीके से ये मुकदमा थाना रामस्नेही घाट में दर्ज किया गया और इसके बाद हमारे CO रामस्नेही घाट, एडिशनल SP और जो SO रामस्नेही घाट है, इनके नेतृत्व में टीमें बनाई गई, लगातार इसमें कार्रवाई शुरू की गई। इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और जो सर्विलांस टीम है उन सभी को साथ में लगाया गया। ये पूरा प्रकरण एक फ्रॉड के रूप में, इंटर स्टेट गैंग के रूप में निकल के आया। इसमें एक गैंग है जो इसका साजिद, अनीस, अरशद और शाहरुख, ये चार लोग इसमें काम कर रहे थे, लगातार इस तरीके से इंटर स्टेट के रूप में ऑपरेट कर रहे थे। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। ये जब भी कोई आम आदमी या महिला या ऐसे कम पढ़े लिखे आदमी को देखते थे तो उसको टारगेट करते थे, किसी भी एक ATM बैंक को टारगेट करके वहाँ पे जाते थे और उसके बाद वहाँ के नंबर को, जो ATM होता था, वहाँ के नंबर को मिसमैच कर देते थे, जिससे कि वो तत्काल प्रॉपर फंक्शन ना कर सके। जब कोई पैसा निकालने आता था उस बैंक में, जैसे इन्होंने मान लिया SBI को टारगेट किया तो वहाँ पे कोई पैसा निकालने आया तो उसके पहले ही नंबर मिसमैच करके ये लोग ब्लॉक करे रहते थे। जब उसका ATM काम नहीं करता था तो उसके बाद उसको जा करके उसके मदद के बहाने उसका ATM ले लेते थे और उसको दूसरा ATM, उसी कंपनी का दूसरा ATM उसको दे देते थे और उसका, चूंकि पीछे खड़े होते थे तो उसका पिन भी रीड कर लेते थे ये। उसके बाद तत्काल इनके पास एक स्वैप मशीन है जो उससे स्वैप करते थे पैसे और जितने भी उसमें पैसे होते थे वो एक बार में या दो बार में उसको ट्रांसफ़र करा लेते थे। पलवल हरियाणा में इनका साजिद साथी है, वो इसको रखता था और उसके बाद उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते थे। बाद में जा करके लोग आपस में बंटवारा कर लेते थे। इस तरीके से लगातार ये कई क्षेत्रों में, हरियाणा में, दिल्ली में और बंगाल तक, बिहार तक ये लोग इस तरीके से काम कर रहे थे। अभी ये चार साथी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से I-20 कार, 87 ATM कार्ड और मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए हैं। इसका जो मेन मास्टरमाइंड है साजिद, वो अभी गिरफ्तार किया जाना है, आजाद गिरफ्तार किया जाना है और वो ही इसका पूरा जो पैसा है उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, वो पलवल हरियाणा में आजाद रहता है। जल्दी ही हमारी टीम उसको भी गिरफ्तार करेगी। इसके चार साथी साजिद, अनीस, इरशाद और शाहरुख गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से भारी बरामदगी हुई है, 87 ATM कार्ड, एक स्वैप मशीन, I-20 कार बरामद हुई है। वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने किया औषधि पौधों का वृक्षारोपण। देखिए बाराबंकी से ब्यूरो चीफ सतीश कुमार की खास रिपोर्ट। वन महोत्सव के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण के अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण पखवाड़ा पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज बाराबंकी जनपद के विकास खंड हरक की ग्राम पंचायत जैनाबाद में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान जय सिंह वर्मा तथा उनके अन्य सहयोगियों में ग्रामवासी राजेश वर्मा, स्वामी दयाल वर्मा, उपेंद्र कुमार रावत, भागीरथ वर्मा, दिनेश कुमार रावत तथा रोजगार सेवक हरीश चंद्र धीमान आदि जैसे सैकड़ों ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत में कई प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण किया। वहीं मानव जीवन के लिए संकट की समस्या को दूर करने के लिए पृथ्वी पर हो रहे ऑक्सीजन की कमी को मात देने के लिए नव निर्वाचित ग्राम प्रधान ने ऑक्सीजन युक्त पीपल के पौधों का वृक्षारोपण किया। इस संबंध में जब नव निर्वाचित ग्राम प्रधान जय सिंह वर्मा से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि पीपल का वृक्ष पूजनीय है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है और जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचता तो इस पीपल के वृक्ष से पंछी अपनी भूख मिटाते हैं। तो पीपल का वृक्ष हमारे लिए तो ऑक्सीजन देता ही है बल्कि पक्षियों के लिए भी उपयोगी है और इसकी छाया भी बहुत शीतल है।
ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।